तो लीजिए दोस्तों, हमारे कच्चे आम की चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है और बिल्कुल दरदरी सी बनकर तैयार हुई है और काफ़ी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता, मैं आज आपके लिए कच्चे आम और प्याज की चटपटी सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है। जब कोई सब्जी बनाने का मन ना करे और कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो आप ये चटनी बनाएं, आम और कच्चे प्याज की। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और आप एक रोटी की जगह दो रोटी खा जाओगे और आप इसे बार बार बनाना चाहोगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ कच्चे आम और प्याज की चटनी। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे न्यू विजिट करें तो सब्सक्राइब भी कर ले, बगल की जो घंटी है उसे ही प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, हमने एक कच्चा आम लिया है, दो प्याज है, पांच हमने लाल मिर्च साबुत लिया है और चार पाँच हमने लहसुन की कली को लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, मिर्च को बीच से तोड़ लेंगे और इसके हम बीज को निकाल लेंगे इस तरह से। और हमने गुनगुना पानी पहले से ही करके रखा था, उसमें हमें तोड़ तोड़ के मिर्च को डालते जाना है ताकि हमारा मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और पाँच मिनट के लिए हमें गुनगुने पानी में डालकर इसे छोड़ देना है। तो देख सकते हैं कि हमने सारे मिर्च को बीज से तोड़ के सारे बीज को निकाल दिया है। अगर आप चाहो तो बिना मिर्च का बीज निकाले भी आप बना सकते हो। हमने इसलिए निकाला कि ज़्यादा स्पाइसी ना बने। वैसे तो स्पाइसी ये चटनी काफ़ी टेस्टी लगती है, पर बीज थोड़ा निकाल देने से ये कम स्पाइसी होता है। और देखिए, इसे पानी में डालकर हमने छोड़ दिया है थोड़ा देर, पाँच मिनट के लिए सॉफ्ट होने देते हैं। और ये हमने लिया है कच्चा आम, इसे पीलर की मदद से इसे हमें सारे छिलके को निकाल लेना है। और यह देखिए, ये आम दो तीन दिन हो गए थे, थोड़ा सा इसमें पीलापन जैसा आ गया है, पर इसका स्वाद और टेक्स्चर बिल्कुल कच्चे आम की चटनी के ही जैसा लगेगा। तो देखिए, हमने आम के सारे पल्प को निकाल लिया है और मिर्च को भी हमने पानी से निकाल के अलग कर लिया है, पाँच मिनट हो चुके थे। और अनियन को क्या करेंगे, सारे छिलके को रिमूव कर देंगे और इसे हमें साफ़ पानी में अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है और इसे हमें मोटे मोटे टुकड़ों में कट लगाना है। तो इस तरह से सारे अनियन को हम छील लेंगे और इसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे। और लहसुन की कली को भी हमें छील लिया है, इसे भी हमें धोकर साफ़ कर लेना है। अब चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए, हमने एक जार लिया मिक्सर का, इसमें हम डाल देंगे आम के पल्प्स और जो हमने लाल मिर्च लिया था, और एक चम्मच साबुत जीरा डालेंगे, कच्चा जीरा है ये। और अब हम क्या करेंगे, जार का ढक्कन लगाकर हमें इस चटनी को ना दरदरा सा पीसना है। बस एक से दो बार हमें मिक्सर को चलाना है। तो लीजिए, दरदरी सी चटनी पीस चुकी है। अब यहाँ पर हमने जो एक प्याज छील कर रखा था मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके हम डालेंगे। तो अभी हम एक ही प्याज डालेंगे, जैसे हमने एक आम लिया है तो हमने दो प्याज यहाँ पर डाला है। और अगर आप दो आम का चटनी बना रहे हो तो आप चार प्याज लो। तो देखिए, यह दरदरी सी पिस चुकी है। तब फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन की जो हमने छील के रखा था उसे डाल दिया है, चार पांच कली को, और एक प्याज जो बचा हुआ था इसे फिर हम मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके डाल देंगे। मतलब एक बार में हमें दोनों प्याज को नहीं डालना है, तो ये महीन सा पेस्ट बन जाएगा, हमें अलग अलग करके डालना है। तो देखिए, दूसरी बार भी हमने इसे डालकर दरदरा से पीस लिया है। तो लीजिए, हमारी आम की अब चटनी अब बनकर तैयार हो चुकी है, दरदरी सी, और काफ़ी अच्छा टेक्सचर आया है। देखिए, लहसुन का, प्याज का, मिर्च का, आम का, तो ये बनकर तैयार है। अब इसे हम बॉल में सर्व कर लेते हैं। और यह चटनी अगर आप सिलवट्टे में बनाते हैं ना तो यह काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो सिलवट्टे में अगर आपके पास हो तो आप एक बार बना कर देखो, दरदरी सी चटनी काफ़ी मज़ेदार बनती है। तो सारे चटनी को अब हम बॉल में सर्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, कच्चा सरसों का तेल डालेंगे, और सरसों का तेल डालने से चटनी का स्वाद तो और भी बढ़ जाता है। तो एक चम्मच डालकर इसे स्पून की मदद से अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और काफ़ी मज़ेदार बनी है। आप इसे रोटी, पराठा, राइस के साथ इंजॉय कर सकते हो। और जब आपको सब्जी बनाने का मन ना करे तो इस तरह से चटनी बनाकर भी आप खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करो। और आप कब बना रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और हमें चटनी बनाते समय एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर पानी का यूज नहीं करना है, बस बिना पानी का हमें इसे दरदरा सा बनाना है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।